स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। आज का अपडेट है लोकहा बाजार रेलवे स्टेशन का। झंझारपुर से लेकर लोकहा बाजार रेलवे लाइन पर अमान परिवर्तन का काम चल रहा है और यहां पे कॉलम और बीम तैयार किया जा रहा है। बारिश समाप्त हो चुका है और इस लाइन में फिर से काम स्टार्ट हो चुका है। आपको यहां पे स्टेशन भवन का निर्माण होता हुआ दिखाई देगा और मिट्टीकरण का काम लगभग पूरा हो चुका है और यहाँ पे अभी स्टेशन भवन का निर्माण चल रहा है। झंझारपुर से लेकर महरेल स्टेशन जो है 7 किलोमीटर की दूरी है और वहाँ तक जो है पटरी बिछ चुका है और मालगाड़ी लाने की तैयारियां चल रहा है और काफ़ी काम जो है वहां पर हो चुका है और अभी लोकहा बाजार स्टेशन पर स्टेशन भवन का निर्माण चल रहा है और खुटौना स्टेशन पर भी स्टेशन भवन का निर्माण चल रहा है। इस लाइन में लोकहा बाजार और खुटौना रेलवे स्टेशन का दूरी जो है वो 8 किलोमीटर है और इस बीच में जो है कोई हॉल्ट और स्टेशन नहीं बनाया गया है और यहाँ पे आपको आने वाले दिनों में लोकहा बाजार स्टेशन पर जो है 4 पटरियाँ 4 ट्रैक बिछ सकता है और एंड हो जाता है झंझारपुर से लेकर लोकहा बाजार। पास में 1 किलोमीटर की दूरी पे नेपाल का बॉर्डर आ जाता है और आखिरी स्टेशन यही है लोकहा बाजार। भविष्य में रेल का जाल बिछ सकता है कोसी महासेतु के पास। जो स्टेशन बना है आसनपुर कुफा हॉल्ट, वहां से रेलवे लाइन जुड़ सकता है। वहां से लेकर लोकही लोकहा जयनगर पुपरी सीतामढ़ी के रास्ते रेलवे लाइन बन सकता है भविष्य में। और लोकहा बाजार स्टेशन पर जो है कुछ वर्ष पहले एक स्टेशन भवन बनाया गया है। इसी तरह का स्टेशन भवन जो है खुटौना वाचस्पति नगर और महरेल स्टेशन पे निर्माण किया गया है। आपको बता दें कि वाचस्पति नगर पर जो स्टेशन भवन पुराना बिल्डिंग था उनको और नया बिल्डिंग को जो है वो जोड़ दिया गया है। इसी तरह का महरेल स्टेशन पर भी जोड़ दिया गया है और यहाँ पर लोकहा बाजार स्टेशन पर भी इस पुराना स्टेशन भवन को भी नया स्टेशन भवन में जोड़ सकते हैं। यहाँ पे पास में जो सबसे पुराना स्टेशन भवन था उनको तोड़ दिया गया है और जो सेकेंड में बनाया गया था उसको और नया स्टेशन भवन को जोड़ सकते हैं। और यहाँ पे हैंड पंप भी लगाया गया है और काफ़ी यहाँ पे स्टाफ रूम है। फिर से मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।